स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रिया है पूर्वाचार्य सकल क्षार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेत आचार्य भक्ति का श्रम करम संसार संपत्ति हो गम अरिहनन रजो हननर अस्य हरं पूजनार्हमर्हन्तं सिद्धान् सिद्धाष्ट गुणान् रत्नत्रय साधकान् स्तुवे साधु उग्रोग्र तपस्वियों का वर्णन पूर्ण हुआ था। तपश्चरण से होने वाली रिद्धियों का वर्णन चल रहा था। तो उग्र तप नाम की जो रिद्धि है उसके दो भेद थे, एक उग्रोग्र तप और एक अवस्थित उग्र तप। तो उग्रोग्र तप के विषय में लिखा था कि वो हमेशा अपने उपवासों की संख्या बढ़ाते चले जाते हैं। जीवन के अंत तक उनके उपवासों की संख्या बढ़ती चली जाती है और वो तीन गुप्तियों से गुप्त ही रहते हैं, कोई दूसरे कार्यों में संलग्न नहीं होते, वो बस
मन वचन काय से बिल्कुल शांत रहते हैं। और वीरसेन आचार्य महाराज ने धवल ग्रंथ में ये स्पष्ट किया था कि दो प्रकार के मुनिराज रहते हैं, एक जिनकी आयु का क्षय किसी कारणवश संभव है, और दूसरे वे हैं कि जिनकी आयु का असमय में क्षय नहीं हो सकता। तो जिनका असमय में मरण नहीं हो सकता वे ही इस रिद्धि को प्राप्त करते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि असमय में मरण को प्राप्त न होने वाले मुनिराजों में भी दो भेद हैं। एक उनका उस श्रेणी के मुनिराज हैं कि जो 6 महीने उपवास तो कर लेते हैं, लेकिन 6 महीने उपवास के उपरांत उनकी कषायें बढ़ने लग जाती हैं, संक्लेश परिणाम होने लगते हैं। तो संक्लेश और क्लेश दो अलग अलग शब्द हैं। संक्लेश परिणाम की परिभाषा धवला की 6ठी पुस्तक में इस प्रकार दी है कि 7 आदि पुण्य प्रकृतियों को बांधने योग्य कषाय के परिणामों को विशुद्धि कहते हैं, और असाता आदि पाप प्रकृतियों को बांधने योग्य तीव्र कषाय, ये मंद कषाय की बात हुई, तीव्र कषाय रूप परिणामों को संक्लेश कहते हैं। तो फिर वो अकाल मरण को न प्राप्त होने वाले मुनिराजों में भी जो 6 महीने के बाद संक्लेश को प्राप्त करते हैं उनको उग्र तप वृद्धि नहीं है होती, उनको उपवास बढ़ाने की अनुमति नहीं है, उनके लिए 6 महीने का ही उपवास, उससे अधिक नहीं कर सकते। लेकिन जिनको संक्लेश नहीं होता, जिनको तप के प्रभाव से ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि उस शक्ति के बल से वो असाता के उदय को मंद कर सकते हैं, रिद्धियां आत्मा की असाधारण शक्तियां हैं जो साधुओं में विशुद्धि और तपस्या से प्रकट होती है। रिद्धियां सिद्ध नहीं होती, रिद्धियां प्रकट होती हैं। रिद्धि शब्द का अर्थ ऐश्वर्य है। तो साधु का जो ज्ञान तप आदि संबंधी ऐश्वर्य होता है वो रिद्धि कहलाती है, और उसके अंतर्गत ये जो असाधारण क्षमता रूप से जो प्रकट होने वाली शक्तियां हैं उनको रिद्धि की श्रेणी में रखा गया है। जैसे उदाहरण के लिए कोई साधु तत्वार्थ सूत्र, सहस्रनाम, भक्तावर, कल्याण मंदिर, एक ही भाव आदि बहुत सारे पाठ कंठस्थ कर ले तो उनको रिद्धिधारी साधु नहीं कहेंगे, और कोई सूक्ष्म विवेचन कर ले और बारीक बारीक तत्वों का चिंतन कर ले वो उनके ज्ञानावरण के क्षयोपशम की विशेषता तो मानी जाएगी, लेकिन उनको रिद्धिधारी कब कहेंगे, जब इन अष्टादश रिद्धियों में से कोई रिद्धि उनको प्राप्त हो तब, अन्यथा नहीं। तो प्रज्ञा श्रवणत्व रिद्धि तो बिल्कुल ही असाधारण रिद्धि थी कि 12 अंगों के पाठी न होकर के भी 12 अंग के पाठियों द्वारा पूछे हुए प्रश्न, और वो भी जब वो 6 महीने उपवास कर चुके हैं और बीमार पड़ गए हैं तब उनसे पूछा हुआ प्रश्न वो क्षण मात्र में उसका उत्तर दे देते बिना किसी परिश्रम के, वो प्रज्ञा श्रवणत्व रिद्धि है। तो ऐसी बड़ी बड़ी रिद्धियां हैं, सामान्य बात नहीं है। रिद्धि प्राप्त करने वालों ऋषि कहलाते हैं। तो उनके असाता का उदय मंद हो जाता है और वो जीवन भर बढ़ाते चले जाते, बढ़ाते चले जाते उपवास, आहार करते हैं, ऐसा नहीं है कि आहार ना करते हैं। लेकिन जैसे 1 वर्ष का उपवास हो गया कभी, तो फिर वो 1 वर्ष से अधिक उपवास करने के बाद ही दूसरा आहार लेंगे, ऐसा रहता है उनका। 2 वर्ष का उपवास हो गया तो 2 वर्ष से अधिक समय निकलने के बाद ही वो आहार लेंगे दोबारा। मान लो उनकी आयु पूर्व कोटि है तो पूर्व कोटि में बहुत लंबी लंबी वर्षों की अवधियां आएंगी, तो उनमें भी एक एक वृद्धि करते हुए ही वो आहार ग्रहण करते हैं। क्या अनोखी बात है।
मैंने आप समझ लो कि कई बार तो हजारों वर्षों के उपवास हो जाते होंगे, दीर्घायु है और अकाल मरण है नहीं उनका, क्योंकि उग्रोग्र तप के लिए नियामक है कि अकाल मरण वाले साधुओं को ये रिद्धि नहीं हो सकती। और ये अकाल मरण शब्द स्वयं वीरसेन आचार्य महाराज ने यहां पर जो लिखा है, देखिए आप क्या शब्द दिया है। घादाण मुनिणम छम्मासो उवास नियम अभ्युगमा दो, घातायुष्क मुनिराजों के 6 मास के उपवास का नियम स्वीकृत है। न अघादाणम, अघातायुष्क मुनिराजों के 6 महीने की आयु, 6 महीने के उपवास की सीमा नहीं है। क्यों? क्योंकि तेसिम उनके अकाले मरणा भावा दो, अकाल में मरण का अभाव होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अकाल में जिनके मरण का अभाव है वो अलग श्रेणी के साधु हैं, और जिनके अकाल में मरण का अभाव नहीं है वो अलग श्रेणी के साधु हैं। उनके लिए 6 महीने की अवधि है, और 6 महीने यानी 180 दिन होते हैं। 180 दिन का उपवास कर सकते हैं, और ये उपवास जो है ये जलोपवास नहीं है, निर्जल उपवास है। अकाल 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 से इतनी झंझट कर रहे, अकाल मरण है क्या, कोई इतना बवंडर बना दिया अकाल मरण, इतना है कि जिसको अविद्या से मालूम पड़ गया मेरा मरण कब होगा, मेरा आयु कितनी है, वो मरण है। अब बाकी अकाल मरण के हमको मालूम नहीं है, मतलब पता नहीं कब मरेंगे, वो अकाल मरण नहीं। अकाल मरण की जो सैद्धांतिक परिभाषा वो है कि जो उदीर्णा से होने वाला मरण है, जिसको कदली घात मरण कहते हैं, वो अकाल मरण है। जैसे घड़े से पानी निकाल रहे हैं, तो पानी निकालो, एक एक ग्लास निकालो तो फिर कुछ घंटों में खाली हो जाता है, और एक अगर पत्थर मार दो तो फिर मिनटे भी नहीं लगती, घंटे तो दूर की बात है। तो ये पानी दोनों में नष्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अकाल मरण में जो आयु, मान लो 90 की आयु लेकर के बांध करके कोई आया था यहाँ पर और उसका एक्सीडेंट हो गया 40 साल में, अकाल मरण हो गया, तो अब जो बची हुई आयु है उनकी कितनी बची, 50, तो वो बची नहीं है। जैन सिद्धांत के अनुसार आयु बचती नहीं है। आयु क्षयण मरणम, मरण की परिभाषा ही दी है कि वो आयु क्षय पूर्वक जो घटना होती है उसका नाम मरण है। तो ऐसा नहीं है कि वो 50 साल की आयु उसकी बाकी रहेगी, वो 50 साल की आयु कर्म, आयु के जो निषेक थे, परमाणुओं के समूह थे, स्कंद थे, वो अगर क्रमशः खेरते तो 50 साल तक की अवधि में पूरे होते हुए एग्जॉस्ट हो जाते, पर वो क्रमशः न खेर करके वो इस घटना विशेष के निमित्त को पाकर उदीर्णा से नष्ट हुए, कदली घात से नष्ट हुए। केले के पेड़ नष्ट नहीं होते, केला एक बार उगता दोबारा नहीं उगता एक पेड़ में, तो फिर अब किसान क्या करता है, उसको तो केले चाहिए ना, पेड़ नहीं चाहिए, तो वो उस पेड़ को नष्ट कर डालता है, उसको कदली घात बोलते हैं, कदली यानी केला, तो उसका नाश कर देता है। तो उसी प्रकार अगर ये अपने आप थोड़ी नष्ट हो रहा है, कोई 50 साल की अवधि बाकी है तो फिर वो बीच में कैसे अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो किसी घटना विशेष को लेकर के उसकी 2 गाथाएं दी आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने भावपाड़ में, घुमट सार में 1 गाथा दी है, विश्वेयण रथ तक है भय सत्थ गण संकिले सेण आहार उण निरोहणा खिजयाऊ, कि भावपौड़ में भी गाथा है और फिर गोमटसार में भी है। तो क्या कह रहे हैं वो कि आयु कैसे नष्ट हो जाती बीच में, तो उत्तर दिया कि विष के माध्यम से आयु नष्ट होती है। अगर आप विषैली चीजें ले रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, पोल्यूटेड फूड, ये प्रदूषित भोजन, प्रदूषित जल, और ये बिस्लेरी वगैरह की जो बॉटल होती है, इसको 4 बार से अधिक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये स्वास्थ्य का घात करने वाली हो जाती है। इसका प्लास्टिक 4थी बार से ऊपर इस्तेमाल के योग्य नहीं रहता,
और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं आज मार्केट में, बहुत सारी ऐसी चीजें उपलब्ध है जो विष का काम करती है। और उसके लिए डॉक्टर डॉन कॉलबर्ट ने, हम साइंस की बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि विष की चर्चा आ रही है, तो विष की पहचान कैसे होगी? तो आप अपने अंगूठे में देखना, ये चंद्रमा जैसे एक आकार बना हुआ है। ये हम और भी पहले बदला चुके हैं कई स्थानों पर ये चंद्रमा जैसा आकार बना है। तो उनका कहना है कि अगर 40% नाखून को घेरता हो इतना, तो आपका शरीर निर्विष है। और अगर ये या तो नहीं दिख रहा है या फिर कम दिख रहा है, तो फिर आपके शरीर में विषैले तत्व हैं। तो उसको कैसे दूर किया जाए? तो पानी की मात्रा बढ़ा करके, हाँ वो सफेद रंग का है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको साफ करने के लिए पानी की मात्रा बढ़ानी होती है, उबली हुई सब्जियां वगैरह ली जाती है, और फिर और भी कई संयम को पाला जाता है। और कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी की जाती है, 3 बार हफ्ते में पसीने निकले शरीर में, इतना श्रम करना होता है 3 दिन। और खुले पैर मिट्टी में चलना होता है 15 मिनट। तो ये सब ऐसे तरीके हैं जिससे वो साफ हो जाता है। फिर कुछ एक्यूप्रेशर के भी पॉइंट्स होते हैं, ये कलाई में ऐसे ऐसे दबाया जाता है दोनों तरफ, छोटी उंगली के पास नीचे कलाई में, और ये तर्जनी के नीचे कलाई में, ऐसे अपने दूसरे हाथ की 3 उंगलियों से दबा सकते हैं 60 बार सुबह उठकर शाम को सोने से पहले। तो आप देखना, 1 हफ्ते में आपके ये सफेद जो निशान है ये एकदम बड़े हो जाएंगे 1 हफ्ते में। कमी है जी, सफेद अगर छोटा है तो शरीर में कुछ विषैले तत्व है सब, तो उससे आयु घटती है ये बता रहे। फिर वेदना, जब वेदना होती है तो वेदना से भी आयु घटती है, क्षीण होती है, छिज्जे आयु क्षीण होती है। और रक्तक है, रक्तस्राव होता है, जब रक्त का क्षय यानी एकदम एक साथ बहुत सारा खून बह जाता है तब भी आयु का क्षय होता है। ब्रेन हेमोरेज, और भी कई प्रकार के वो रहते हैं जिसमें खून बह जाता है, तो उससे मृत्यु या फिर ये आयु का क्षय होता है। भय डर से भी होता है। अब डर है कि नहीं ये कैसे पहचाने? अगर चिंता हो रही है तो समझना कि डर है, क्योंकि चिंता का कारण ही डर है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। और टेंशन है तो फिर वो टेंशन का कारण चिंता है, चिंता का कारण भय है, तनाव का कारण चिंता है, और तनाव के कारण फिर दुनिया के रोग होते हैं, कई प्रकार के रोग होते हैं। तो निडर होने से आयु का क्षय रुकता है। मरना ही है, एक बार मरो ना, बार बार क्यों मरना डर डर के? मरना ही है। तो भय है। फिर शस्त्र ग्रहण माने हथियारों के माध्यम से भी आयु का क्षय हो जाता है। फिर संक्लेश के द्वारा भी, संक्लेश का मतलब असाता को बांधने योग्य अशुभ परिणाम, तीव्र कषाय, तीव्र कषायों से भी आयु का क्षय होता है। फिर आहार उत्साह साड़म निर्वहणा खिंचय, आहार को रोकने से, सांस को रोकने से भी आयु का क्षय होता है। तो अगर आयु जितनी लेकर के आए हैं उतने समय में पूरी नहीं हो, पहले पूरी हो जाए, तो अकाल मरण। और मरण के अकाल सकाल दो भेद केवली भगवान ने बताया, यहाँ कोई आचार्य अपने मन से कुछ नहीं बना रहे हैं सब व्यवस्था, ये सर्वज्ञ व्यवस्थापित घटना है। अकाले मरणा भावा, ये शब्द कैसे लिखे है धवला में? इसका अर्थ ये हुआ कि मरण 2 प्रकार का होता है। और अगर कोई ये माने कि नहीं केवली भगवान ने जाना था कि वो 40 में ही मरेगा, भले 90 की आयु लेकर आया हो, इसलिए वो मरण निश्चय से तो सकाल मरण ही है, अगर ऐसा कोई तर्क करे। अब संयोग की बात ऐसी है कि एक बार
विदिशा में पंडित कस्तूरजन जी मोक्ष, उनसे हमारी चर्चा हुई घुमट सार पर, तो अंत में हमने ये कहा, उनने ये कहा कि निश्चय से तो सारे मरण सकाल मरण, व्यवहार से अकाल और सकाल, ऐसे दो भेद हो जाते। अब हमें जानकारी नहीं थी कि ऐसी ही चर्चा डॉक्टर हुकमचंद बारेल से केसरी आचार्य श्री के साथ सेम चर्चा हुई थी, तो आचार्य श्री ने भी बहुत सारे प्रमाण दिए थे। तो फिर अंत में उन्होंने बोला कि ठीक है, ऐसा ऐसा मतलब निश्चय से सकाल मरण और व्यवहार से अकाल मरण। तब आचार्य श्री ने एकदम मुस्कुराते हुए कहा था कि पंडित जी निश्चय से मरण होता है क्या? तो चुपचाप फिर चले गए थे। तो सेम यहाँ पर विदिशा में हमारे साथ 91 में ये घटना हुई, वहां 86 में हुई थी। तो ये भी कस्तूरचंद पंडित जी भी चले गए। तो खैर ये किसी की वो नहीं है, टीका टिप्पणी या आलोचना नहीं है, पर धारणाओं का खेल है ये। कभी कभी पाठक का स्नेह उसकी मान्यता को अपने अंदर धारणा के रूप में दृढ़ कर देता है। इसलिए ज्ञान के जगत में स्नेह का प्रदूषण उचित नहीं है। स्नेह केवल आगम के वचनों से हो, क्योंकि वो सर्वज्ञ के वचन है, वीतराग के वचन है। फिर उसमें बीच में और कोई तीसरा स्थान है नहीं, वहां बीच में केवली श्रुत केवली आगम, और आगम से बड़ा कोई नहीं होता। जिनेंद्र भगवान भी आगम से जिनेंद्र बने, और फिर जिनेंद्र बनकर वो सिद्ध बने। बिना आगम के क्या हो सकता है? बिल्कुल अंधे हैं पूरे संसारी प्राणी आगम के बिना। इसलिए धवला में गाथा आती है, आगम चक्खू साहू। प्रवचन सार में एक आगम चक्खू साहू दूसरी गाथा, धवला में भी एक गाथा है आगम चक्खू साहू। ये बताया था हमने कि कभी कभी पता चलता है, कभी कभी नहीं चलता। तो विष्णु कुमार मणिराज को तो हाथ ऐसे लंबा करने पर पता चला कि है रिद्धि। वैसे तो उनने बताया था उनको कि आपको रिद्धि है, पर उनने बस देखा कि मुझे रिद्धि है, तो उनका हाथ लंबा हो गया, तो समझ गया, बस सीधा मानुषोत्तर तक चला गया। समझ गया। जिस चुल्लक को आचार्य श्री ने भेजा था, तो आचार्य श्री ने कहा था, जा उनको कहा था, बिल्कुल आचार्य श्री ने जान लिया था अवधिक ज्ञान से कि रिद्धि है। तो ये अकाल मरण की बात आई थी थोड़ी सी बीच में, तो इतना निश्चित हो गया कि उग्र उग्र तप नाम की जो रिद्धि है वो अकाल मरण जिनका होता है उनके लिए नहीं, और जिनका नहीं होता उनमें से भी 6 महीने के बाद भी जिनको संक्लेश ना हो उन्हीं साधुओं के लिए ये उग्र उग्र तप नाम की रिद्धि। जिनको संक्लेश होता है उनको 6 महीने से अधिक उपवास की अनुमति नहीं है, ऐसी बात है। तो ये इन इन कारणों से आयु का असमय में क्षय होता है। तो 40 वर्ष की आयु में भले केवली ने जाना था, पर केवली ने कहा नहीं था। केवली ने यह जाना जरूर था कि 90 की आयु लेकर आया और 40 में जा रहा है, तो ये उनने जरूर जाना था। वो जानते थे कि वहां कैसे मरण होगा और कहां मरण होगा, सब कुछ जानते थे, सारी स्थितियां जानते, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब जानते थे उस समय का। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने जाना है इसलिए सकाल मरण, ये परिभाषा इंसानों ने बनाई, ये परिभाषा सर्वज्ञ प्रणीत नहीं है। सर्वज्ञ ने तो दो प्रकार का मरण बताया,
तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का 53वां सूत्र क्यों लिखा? अगर मरण एक प्रकार का होता तो फिर उस सूत्र की आवश्यकता ही नहीं थी। वहां ये बता रहे हैं कि इन जीवों का अकाल मरण नहीं होता। औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुष अनपवर्त्यायुष, माने उनकी आयु कर्म का की अपवर्तना नहीं होती। अपवर्तना नहीं होती का अर्थ क्या? घटता नहीं है आयु की, आयु घटती नहीं उनकी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आयु घट सकती है। तो आयु दो प्रकार की हुई, घटने योग्य आयु जिनके पास है, वो अगर किसी ऐसी घटना में मरण को प्राप्त हो जाते हैं तो उनका मरण कदली घात मरण कहलाता है। सवार सिद्धि ग्रंथ में उन्होंने यथाकाल और अयथाकाल शब्द का प्रयोग किया, यहां पर अकाल शब्द का प्रयोग किया वीरसेन आचार्य मरण। तो अकाल और सकाल मरण, यथाकाल और अयथाकाल मरण, ये आगम सम्मत आगम सिद्ध वचन है और केवली प्रणीत वचन है। इसलिए इसमें ये जिस विवक्षा से कहे गए हैं उसी विवक्षा से इसको ग्रहण करना योग्य है। इसमें फिर अपन अन्य विवक्षाओं को लगा करके बुद्धि का व्यायाम करें तो उससे लाभ नहीं है। ठीक है, चतुराई आ जाएगी अपने पास, लेकिन आवश्यकता नहीं उतनी चतुराई का पुरुषार्थ करने के स्थान पर उतनी विशुद्धि का पुरुषार्थ कर ले तो निर्जरा का लाभ हो सकता है। और कभी कभी चतुराई से हानि भी होती है। अगर अभिमान आ गया अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता पर, अपनी चतुराई पर, तो अभिमान अपने को कभी भी ऊपर नहीं ले जाएगा, वो नीचे ही ले जाएगा। अब दूसरी जो रिद्धि है अवस्थित उग्र तप दीक्षोपवासम कृत्वा पारणानंतरम एकांतरेण चरताम केनापि निमित्तेन षष्ठोपवासे जाते तेन विहरता मष्टोपवास संभवे तेनाचरतामेवं दशद्वादशादिक क्रमेण क्रमेणाधो न निवर्तमानानां यावत् जीवं येषां विहरणं ते वस्तुतोग्र तपसः। आचार्य कह रहे हैं चामुंडराय आचार्य चरित्रसार ग्रंथ में अनगार वर्णन के अंतर्गत रिद्धियों के प्रकरण में दीक्षा का उपवास करके पारणा की, पारणा के उपरांत एकांतरेण चरताम, फिर उपवास किया, फिर पारणा, फिर उपवास, फिर पारणा, इस तरह एकांतर से आचरण करते हुए केनापि निमित्तेन किसी निमित्त वश षष्ठ उपवास से जाते, दो उपवास हो जाने पर तीन विहरता, अब दो उपवासों के साथ उनका विहार चलने लग गया, अब कभी दो दो से कम नहीं करेंगे। और अष्टमोपवास संभव है तेनाचरताम, और अगर तीन उपवास हो गए तो फिर उसके साथ आचरण करते हुए चलते रहेंगे वो। एवं दश द्वादशादि क्रमेण, इस तरह चार उपवास, पांच उपवास, छह उपवास आदि के क्रम से जो अधो न निवर्तमान, जितने उपवास वो एक बार कर चुके हैं उससे कम उपवास दूसरी बार न करने वाले जो साधु होते हैं, यावत् जीवम येषां विहरणम्, और जीवन भर उसी प्रकार से वो विहरण करेंगे, विहार करेंगे उतने ही उपवासों के साथ, चाहे कोई भी काल हो, अंतराय हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, उतने उपवास वो करेंगे ही करेंगे। ते वस्थितोग्र तपसः, वे अवस्थितोग्र तप वाले साधु होते हैं। ये रिद्धि है क्योंकि इस शक्ति सामान्य शक्ति नहीं है, असाधारण शक्ति है। और
इसके विषय में एक जानकारी और हम आपके सामने रखना चाहते हैं। कि उग्र तप के अंतर्गत प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रय में बृहत प्रतिक्रमण सूत्र की टीका करते हुए लिखा है, नमो उग्र तवाणम, उग्र तपस्वियों के लिए नमस्कार। ये ही जो नियम से पंचम्यां अष्टम्यां चतुर्दश्यां च प्रतिज्ञातोपवासे प्रतिज्ञातोपवास अलाभ द्वये त्रये वा तथैव निर्वाहयन्ति तयम प्रकार उग्र तपस। तो इसमें एकादशी नहीं है, पहले अपने भूल से एकादशी को भी ग्रहण कर लिया था। च शब्द से हो भी सकती है, लेकिन यहां पर इतना कह रहे हैं कि जो एक दिन आहार ना मिला, दो दिन नहीं मिला, तीन दिन नहीं मिला, अथवा और भी अधिक दिनों तक आहार ना मिलने पर भी पंचमी की तिथि पर, अष्टमी की तिथि पर और चतुर्दशी की तिथि पर हर हालत में उपवास करते हैं, प्रतिज्ञा पूर्वक उपवास करते हैं और तथैव निर्वाहयन्ति और उसी प्रकार से उसका निर्वाह जीवन भर करते हैं। कभी भी उनकी कोई पंचमी अष्टमी या चतुर्दशी खाली नहीं जाती, करते ही हैं। तयम प्रकार उग्र तपस, इस प्रकार के तपस्वी को भी उग्र तपस्वी कहते हैं। ध्यान के जगत में स्नेह का प्रदर्शन उचित नहीं है, स्नेह केवल आगम के वचन से, वीरता के वचन से ठीक है। हाँ ठीक है ना, ये अभी हमने बोला था ना, एदम पितहो विहानम, ये जो उग्र तप है, अवस्थित उग्र तप, ये भी वीर्यंतराय खौ समीण बुद्धि, वीर्यंतराय के क्षम से होता है, बड़ी शक्ति के साथ होता, साधारण शक्ति के साथ नहीं हो सकता। दुंडम पि तवाण उत्कट फलम निवई, नहीं नहीं उग्र तप के दो भेद हैं, उग्र और अवस्थित उग्र तप, बस ऐसा तीसरा कुछ नहीं है। तो आचार्य कह रहे हैं कि दोनों प्रकार के तप का उत्कृष्ट फल निवई निर्वृति है, निर्वृति का अर्थ निर्वाण, पूर्ण तृप्ति। अवरमण उत्कट फलम, और बाकी जो कुछ मिल रहा है उनको वो अनुत्कृष्ट फल है, उत्कृष्ट फल केवल एक है निर्वाण। हे देशम उग्रतवाणम जिनाणम नमो इति उत्तम हुदि, ऐसे उग्र तपस्वी जिनों के लिए नमस्कार, ऐसा कथन किया जाता है। तो तप वृद्धि में प्रथम वृद्धि थी उग्र तप, और उग्र तप की दो भेद किए थे, पहला था उग्रोग्र तप और दूसरा था अवस्थित उग्र तप। उग्रोग्र तप में उपवास बढ़ते ही चले जाते हैं और अवस्थित उग्र तप में जितने उपवास कर चुके हैं उससे कम नहीं करते अंत तक, और दोनों के लिए असाधारण क्षमता आवश्यक है, जिसमें से उग्रोग्र तप के लिए तो बहुत ज्यादा क्षमता चाहिए जो अपन अभी सुन चुके हैं। नहीं, इसमें किसी कारणवश बढ़ जाए तो ऐसा अवस्थित उग्र में, और उसमें तो बढ़ाना बुद्धिपूर्वक बढ़ाना होता है उग्र तप में, कभी भी पिछली संख्या वाला उपवास नहीं कर सकते, उसमें एक की वृद्धि तो करना ही है नियम से।
अब महोपवास करणे भी प्रवर्धमान काय वांग मनोबला दुर्गंध रहित वदना पद्मोत्पलादि सुरभि निःश्वासाः प्रतिदिन प्रवर्धमाना प्रच्युत महादीप्ति शरीरा दीप्त तपसः। महान उपवास करने पर भी जिनके शरीर का बल, जिनके वचन का बल और जिनके मन का बल बढ़ता ही चला जाता है कितने भी उपवास कर ले वो, और दुर्गंध रहित वदना, उनके मुंह से दुर्गंध नहीं आ सकती, बल्कि उनकी नासिका से जब वो सांस छोड़ते हैं पद्मोत्पलादि सुरभि निःश्वासा, कमल, फिर उत्पल नील कमल, कैरव श्वेत कमल आदि की सुगंध जैसे उनकी सांस होती है अंदर निश्वास, यानी अंदर लेते समय, यानी वो जब सांस अंदर लेते हैं तो उनके अंदर जाने वाली सांस में कमल जैसी खुशबू रहती है, या फिर नील कमल जैसी खुशबू रहती है, या श्वेत कमल जैसी खुशबू रहती है। और प्रतिदिन प्रवर्धमान, प्रतिदिन बढ़ती हुई अप्रच्युत न छूटने वाली महान दीप्ति उनके शरीर में रहती है। महान दीप्ति का अर्थ क्या होता है? उज्ज्वलता। उनके शरीर में ऐसी उज्ज्वलता रहती है हमेशा। दीप्त तपस, वे दीप्त तपस्वी होते हैं, उसमें संशोधन कर लेना अगर हो जाए तो। दीप्त मनस हो गया ना, ठीक है। तो ये दीप्त तपस्वी रिद्धि के धारक साधुओं का वर्णन था। अब देखिए आचार्य वीरसेन स्वामी ने भी दीप्त तप का बड़ा सुंदर वर्णन किया। दीप्ति हेतुत्वात् दीप्तं तपः, जो उज्ज्वलता का कारण होता है वो दीप्त तप कहलाते हैं। दीप्तं तपो येषां ते दीप्त तपसा, और जिनको ऐसा तप प्राप्त हो चुका है वो दीप्त तपस्वी साधु है। चौथ षट्ठमादि वासी सुकीर्माणी सुजेसिन तव जनित लद्धि महापेण शरीर तेजो परिदणम वट्टति। एक उपवास, दो उपवास आदि उपवासों के कर लेने पर जिनके तप से उत्पन्न रिद्धि की महिमा से शरीर का तेज प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता है। धवल पक्ष चंद सेव, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान। ते ऋषो दीप्त तवा, वे ऋषि दीप्त तप रिद्धिधारी कहलाते हैं। तेसिन न केवलम दीप्ति चेव वड्डति किंतु बलो भी वड्डति। केवल उनकी दीप्ति ही नहीं बढ़ती, उनका बल भी वृद्धि को प्राप्त होता है। शरीर बल मांस रुधिरो चये ही विना शरीर दित्ति वड्डीये अणुवत्ती दो, क्योंकि शरीर का बल मांस रुधिर इनके संचय के बिना शरीर की उज्ज्वलता की वृद्धि बन नहीं सकती। इसका अर्थ यह हुआ कि उनके मन वचन काय में हमेशा पुष्टि बनी रहती है। तीर्ण ते सिंभुत्ति भी, और इस कारण से उन मुनिराजों को, उन ऋषियों को भुक्ति भी नहीं होती। भुक्ति का अर्थ जो एक भुक्ति है ना मूल गुण साधुओं का, तो इनके भुक्ति ही नहीं, मतलब भोजन ही नहीं करना पड़ता इनको कभी। दीप्त तप वृद्धि के साथ भोजन नहीं होता। तक कारण भाव, क्योंकि भोजन का जो कारण है वो उन ऋषियों के पास है ही नहीं कि जिस कारण से वो भोजन करे। न जब भुखा दुखो समण अट्ठम भुंजन थी,
भूख के दुख को शांत करने के लिए भोजन नहीं करते वो, क्यों? तद अभावाद, भूख का अभाव है उनमें, भले छठे गुण स्थान में हो लेकिन भूख का उनमें अभाव है, दीप्त तथा वृद्धिधारी में। तदभाव कुदो उपगम्यते, उनमें भूख का अभाव आपने कैसे जान लिया? तो बोले दित्ति बल शरीरो उपचया दो, दीप्ति से जाना, बल से जाना और शरीर के उपचय से, यानी जो शरीर पुष्ट है उससे जान लिया हमने कि इनको भूख की भूख है ही नहीं। तेसिन दित्त तवाणम मन वयण काय ही नमो, उन दीप्त तपस्वियों के लिए मन वचन काय से नमस्कार। गणधरों को होती है, कईयों को होती है, कई ऋषियों को होती है। ये धवलस नो। अब इसके बाद दीप्तता वृद्धि में बहुत सारी जानकारी आपने प्राप्त की है। अपन क्या कर सकते हैं कि ये रिद्धियों का जो वर्णन अभी अपन सुन रहे हैं उसमें जितनी जानकारी अपन विभिन्न ग्रंथों से यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं उसका संग्रह किया जा सकता है, क्योंकि अभी अपन अनेक ग्रंथों के माध्यम से इसका वर्णन वो कर रहे हैं, और अगर संग्रह हो जाए और एक साथ अगर बन जाए संग्रहित तो अच्छा हो जाएगा। कभी भी अपन दोहराएंगे तो फिर सब स्मरण में आएगा, या जब अपन ये पढ़ेंगे गणधरवलय मंगल दंडक तो फिर इन रिद्धियों के स्वरूप का स्मरण होगा तो और भक्ति प्रवाहित होगी। तप्तायस कटाह पतित जल कणवदाशु शुष्कालपाहारतया धारणेपि श्रमक्लेश विरहितास त्रिभुवनपि कनीयस्यांगुल्योद्धृत्यान्यत्र स्थापयितुं समर्थाश्च काय बलिनः। अच्छा, इसमें से कुछ छूट गया है। अब देखिए आगे पीछे कहीं पर मिल जाए तो। क्योंकि अचानक वृद्धि आ गई ना, अभी तप वृद्धि पूर्ण नहीं हो पाई थी। ये आ गया पृष्ठ क्रमांक 100 पर। नहीं, वो तो रस रिद्धि है। तब तो सब आने चाहिए। येषां प्राणपात्र गतवन्नम, यहां तक कोई दूसरी रिद्धि का वर्णन था पर यहां पर ये आ जाएगा। अब इसको अपन पहले से जोड़ते हैं, मल रुधिर आदि यहां से लेंगे, है ना। तो तप्तायस कटाह पतित जल कण वदाशु शुष्कालपाहार तया धारणे भी मल रुधिरादि भाव परिणाम विरहिता व्यवहरणा तप्त तपस। तपे हुई लोहे की कढ़ाई में पड़ी हुई पानी की बूंद की तरह शीघ्र ही सूख जाने वाले अल्प आहार के कारण वे मुनिराज
मल रुधिर आदिक भावों से परिणमन, भावों के परिणमन से विरहित आहार लेते हैं, अर्थात उनका लिया हुआ आहार जो होता है वो मल रुधिर आदिक रूप परिणमन नहीं करता, वो तप्त तपस्वी होते हैं। बृहत प्रतिक्रमण लिखा है, तप्ताय पिंड पतित जल कणवत गृहीत आहार शोषणान निहार रहितास तप्त तपस। जो तपे हुए लोहे की कढ़ाई में पड़े हुए पानी की बूंद के समान, जैसे वो बूंद सूख जाती है वैसे ही ये ग्रहण किए हुए आहार को सुखा देते हैं। ऐसे तपस्वी होते हैं कि इनके शरीर में गया हुआ जो आहार है वो सूख जाता है और निहार रहता मलमूत्र से रहित होते हैं, तो तप्त तपस्वी है, यानी आहार लेने पर भी उनके शरीर में मलमूत्र की उत्पत्ति नहीं होगी। इसमें तो आहार लेने का तो लिखा है पर गणधरों के पास ये दोनों रीतियां होती है, दीप्त तप और तप्त तप। तो दीप्त तप के कारण आहार करना ही नहीं पड़ता, और तप्त तप रीति ऐसी होती है कि अगर कर भी ले तो मल मूत्र नहीं होगा ऐसा। पर उन्होंने लिखा है ना कि उनकी भुक्ति नहीं होती दीप्त तप वालों, तो नहीं होती, बस उनके लिए नमस्कार। फिर वीरसेन आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, तप्तम दग्धम विनाशतम मूत्र पुरीष शुक्रादि येन तपसा तदुपचारेण तप्त तप। जिन्होंने तपा डाला, जिन्होंने जला डाला, जिन्होंने नष्ट कर डाला मल मूत्र शुक्रादि धातुएं और सब, तो उनको उपचार से तप्त तपस्वी कहते हैं। जिसम भूत चौव्याहारस, जिनके द्वारा भोजन में लिया गया चार प्रकार का आहार, तत्लोह पिंडा गरी सिद्ध पाणीय सेव निहारो नथी ते तत्त तवा। उदाहरण उसी का दिया है, तीनों स्थानों पर कढ़ाई का ही उदाहरण दिया, लोहे की खूब गर्म हो गई वो कढ़ाई, उसमें एक बूंद पानी डाल दो तो वो ऐसे करके गायब हो जाती है। बस इसी प्रकार ये ऐसे तपस्वी साधु हैं कि वो आहार लेंगे जितना भी लेना हो, लेकिन उनके शरीर में ये मल मूत्र शुक्रादिक नहीं बनेंगे, वे तप्त तपस्वी हैं। एदाय रिद्धि सहयाणम जनाणम नमो विधि उत्तम बुद्धि। इस रिद्धि से सहित जो ऋषि हैं, जो जैन है, उन परमेश्वरों को नमस्कार, ऐसा कथन होता है। उग्र तप, दीप्त तप और तप्त तप, ऐसे तीन प्रकार के तप रिद्धि का विवरण आज अपन ने यहां पर स्वाध्याय में पढ़ा है। जैनम जयतु शासन अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थ भाव पूजा वंदना स्तव समेत श्रुत भक्ति का उत्सर्गम करूं। नमो रंताणम सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सदसाम। आदि सिद्धांत
नमस्ते महाराज जी।